कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री दसवां अध्याय। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें और न तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए, और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इसराइली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की। जो कुछ कसाईयों के यहां बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं।